फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अमेजिंग सा हेयर सीरम शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर हेयर आपके फ्रिजी हो गए हैं, हेयर में बिल्कुल भी शाइन नहीं रह गई है, विंटर का क्योंकि टाइम चल रहा है उस वजह से, और अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रह गया है, या फिर अगर आपको वाइट हेयर की प्रॉब्लम है और जो भी नई ग्रोथ निकल रही है ना, वो भी वाइट हेयर में ही निकल रही है ना, तो ये जो सीरम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इन सारी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं इन चीज यहाँ इस सीरम को बनाने में जो चीज़ों को यूज करूंगी ना, वो सारी आपके किचन में इजीली अवेलेबल होगी। आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा इसमें खर्चा है, और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और जो इसके फायदे होंगे, जिस किस तरह से यूज करना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो में लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मेरा लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है bharti_blog। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यस फ्रेंड्स, मेथी दाना बालों के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, आपके ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपके बालों को लंबा घना बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। फ्रेंड्स, एक रिसर्च में पाया गया है, एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, उसकी कमी की वजह से हमारा हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा होने लगता है और हमारे हेयर वीक होने लगते हैं। तो मेथी दाना में फाइट्रो एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप रेगुलर मेथी दाना का यूज कर रहे हैं ना, तो आपके बाल लंबे, घने, मोटे होंगे। इस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे ब्रांड कंपनियां भी शैम्पू हो गए, कंडीशनर हो गए, मास्क वगैरह मेथी का बना रहे हैं, मेथी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हेयर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए। तो इसलिए मेथी दाना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए मेथी दाना का आप अगर रेगुलर बेस पे यूज कर रहे हैं ना, तो आपके बालों को वो बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा, बालों की लंबाई बढ़ाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, और जो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी होगी उसको स्टॉप करके बालों को लंबा घना बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। और मेथी दाना पे तो मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मेथी दाना के मिल जाएंगे। तो जो फायदे हैं वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो उसकी मेथी दाना की जितनी भी मैं तारीफ करूं बालों के लिए उतनी कम है। तो आप लगाने के साथ साथ बालों में ना, आप मेथी दाना को कंज्यूम भी कर सकते हैं, रात में भिंगो के आप उसको खाइए। तो दोनों तरह से यूज करेंगे ना, आपके बाल लंबे, घने, मोटे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच के करीब मेथी दाना ले रही हूँ। सेकंड जो मैं यहाँ पर चीज ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ कलौंजी, जिसे काला तेल भी बोलते हैं। और कलौंजी का अधिकतर यूज अचार बनाने में किया जाता है, अचार में आपने देखा होगा लोग डालते हैं कलौंजी। तो कलौंजी हमारे जितना अचार को टेस्टी बनाती है ना, उतना ही हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। कलौंजी में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन भर पाया जाता है, जो हमारे बालों को की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है, साथ ही बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, कंडीशनर करने में बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है ना, बीच बीच में पैचेस हो गए हैं, बाल आपके नहीं बढ़ रहे हैं ना, उनको दूर करने में हेल्प करता है। और साथ ही अगर आपके व्हाइट हेयर हैं और जो भी ग्रोथ निकल रही है ना, वो भी व्हाइट निकल रही है ना, अगर आप रेगुलर बेस पे कलौंजी का यूज कर रहे हैं ना, कलौंजी के पानी का या फिर कलौंजी के तेल का, तो जो आपकी नई ग्रोथ निकलेगी ना, वो ब्लैक निकलेगी, व्हाइट नहीं निकलेगी। तो कलौंजी के बहुत सारे फायदे हैं। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच के करीब ही कलौंजी ले रही हूँ। और इन दोनों, मेथी दाना को, कलौंजी को आप अलग अलग भी बोल में ले सकते हैं या फिर एक ही जगह पे भी ले सकते हैं। तो मैंने एक ही बोल में एक एक चम्मच के करीब मेथी दाना और एक चम्मच के करीब यहाँ पर कलौंजी मैंने ली हुई है।
दोनों को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि थोड़े सा मार्केट से हम लोग लेके आते हैं तो उसमें धूल मिट्टी वगैरह होती है और हमें अपने बालों पे यूज करना है, इस वजह से अच्छे से मैंने पानी से वॉश कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं साफ पानी में इसको रात भर के लिए भिंगो दूंगी। आपको रात भर के लिए इन दोनों चीजों को भिंगोना है, आप अलग अलग बोल में भी भिंगो सकते हैं या फिर एक साथ भी इन दोनों चीजों को भिंगो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक साथ ही भिंगो रही हूँ। और अगर आप रात में नहीं भिंगो रहे, वैसे दिन में अगर भिंगो रहे, तो कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए आपको भिंगोना है इन दोनों चीजों को। और मैंने रात भर के लिए भिंगो दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं देख रही हूँ, देखिए मेथी का दाना कितना फूल के बड़ा हो गया है और कलौंजी भी बड़ी सी हो गई है। और जितनी भी मेथी दाना की गुडनेस और कलौंजी की गुडनेस है ना, वो सारी इस पानी में आ गई है। और पानी भी आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का हो चुका है। तो अब ये जो पानी है मेथी दाना का और कलौंजी का, ये हमारा बनकर तैयार है। इसको मैं एक छन्नी की हेल्प से एक बोल में या फिर एक ग्लास में छान लूंगी। और उसके बाद इस तरह की स्प्रे बॉटल आती हैं, तो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगी या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसमें ये जो पानी जो निकला हुआ है कलौंजी और मेथी दाने का, वो मैं इस बॉटल में भर ले रही हूँ। इस सीरम को मैं अपने लिए 15 दिन के लिए बना के स्टोर करके रख रही हूँ, ज्यादा दिन के लिए नहीं। क्योंकि कोई भी चीज है, अगर आप नेचुरल चीजों का बालों पे या फिर स्किन पे यूज कर रहे हैं, तुरंत का तुरंत बनाकर अगर आप यूज कर रहे हैं ना, उसके फायदे बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर आप बहुत दिनों के लिए बना के रख देंगे ना, तो उसकी जो भी गुडनेस होगी ना, वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर 15 दिन के लिए बना रही हूँ। मेरे हेयर काफी घने हैं, तो मेरे 2 बार के लिए ही हो पाएगा, तो वीक में मैं केवल 1 बार यूज कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 15 दिन के लिए ही बना रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं। फिर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से बना लूंगी। तो बस उसके बाद फिर मैंने इस स्प्रे बॉटल में जो पानी था कलौंजी और मेथी का, उसको मैंने इसमें फिल कर लिया है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा हेयर सीरम बनकर रेडी हो गया, लेकिन रुकिए रुकिए, एक दो चीजें इसमें अभी और ऐड होंगी, तब जाके हमारा हेयर सीरम कंप्लीट होगा। तो तीसरी जो चीज मैं इसमें ऐड करूंगी इसी बॉटल में, या फिर आप बोल में पहले से मिक्स करके फिर बॉटल में भर लें, तो तीसरी चीज जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है ऑलिव ऑयल। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करूंगी। ऑलिव ऑयल बालों में शाइन लाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। बालों में अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है एंड बहुत ज्यादा स्कैल्प आपका ड्राई है, हो गया है, इची सा हो गया है ना, तो उसको रिमूव करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बालों की को ग्रोथ में भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल मत लीजिएगा, क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है तो कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो हमारा पूरा जो सीरम है ना वो खराब हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल ही लें। अगर ऑलिव ऑयल आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर 2 विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा आप और कोई तेल इसमें ऐड मत कीजिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल में बोलूँ कैस्टर ऑयल थिक थिक होता है, वो भी नहीं। तो दो में से एक ले सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल या फिर विटामिन ई। ऑलिव ऑयल होगा तो बहुत ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा। और इसके बाद चौथी जो चीज मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वो है ग्लिसरीन। यहाँ पर मैं छोटा चम्मच, 1 चम्मच के करीब यहाँ पर इसमें ग्लिसरीन डालूंगी। ग्लिसरीन भी हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छे से नरिश करता है, बालों में शाइन लाने में हेल्प करता है। कुछ लोगों में के दिमाग में होता है कि ग्लिसरीन बालों को वाइट कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्लिसरीन बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, बालों में शाइन लाता है। अगर आप रेगुलर बेस पे ग्लिसरीन का यूज कर रहे हैं ना, जितना हमारे फेस में शाइन लाता है ना, उतना ही ग्लिसरीन हमारे बालों में भी शाइन लाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है और आपके स्कैल्प को नरिश करेगा, बहुत ही अच्छे से कंडीशनर करेगा। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच, छोटा चम्मच के करीब यहाँ पर एक ग्लिसरीन ले रही हूँ। सबको अच्छे से मैं शेक कर दूंगी बॉटल में, या फिर आप बोल में कर रहे हैं तो चम्मच की हेल्प से मिक्स करके आप बॉटल में भर लीजिए। मैंने बॉटल में ही किया, उसको अच्छे से मैं शेक कर दूंगी, जिससे कि जितनी भी चीजें मैंने डाली हुई वो एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। तो ये हमारा मैजिक हेयर सीरम बनकर तैयार है। इस हेयर सीरम की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। आप एक बार इस सीरम को बनाकर अपने यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस हेयर सीरम को यूज कैसे करना है। फ्रेंड्स,
इस हेयर सीरम को आपको वीक में 2 टाइम यूज करना है, क्योंकि आप 2 बार तो हेयर वॉश करते ही होंगे। जब भी आप हेयर वॉश करने जा रहे हैं ना, तो हेयर वॉश करने से कम 1 या 1.5 घंटे पहले अपने पूरे स्कैल्प में, आपको स्कैल्प में ही केवल इस सीरम को लगाना है, और पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लीजिए इस तरह से, और हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। ध्यान रखें, नेल्स आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है। इसकी ये जो फिंगर की ये टिप होती है, इन टिप की हेल्प से आपको अपने स्कैल्प में मसाज करनी है, जिससे कि ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, जिससे हमारा हेयर ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से हेल्प होगा। क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है, हम लोग अपने बालों की केयर इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो जब भी आप हेयर वॉश करने जाएंगे ना, उसके 1 या 1.5 घंटे पहले, जैसे घर का कुछ काम कर रहे हैं, तब आपने इस सीरम को अपने बालों में लगा लिया, तो आपको जितने भी फायदे होंगे इस सीरम के सारे मिल जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप लगाकर पूरे दिन बैठे हुए हैं 4-5 घंटे के लिए, ऐसा नहीं है। आपको केवल हेयर वॉश करने से 1 या 1.5 घंटे पहले इसको लगाना है अच्छे से स्कैल्प में, और उसके बाद बन या चोटी बना लें, और उसके बाद आप शैम्पू कंडीशनर सब कुछ कर सकते हैं, अच्छे से हेयर को वॉश कर लें। तो इस तरह से आपको वीक में 2 टाइम यूज करना है। अगर विंटर का टाइम चल रहा है, अगर आप वीक में 1 टाइम ही हेयर को वॉश कर रहे हैं ना, तो तभी 1 बार ही लगाइए। लेकिन आपको अच्छे अगर रिजल्ट चाहिए, आपके बाल अच्छे रहें, बालों की ग्रोथ बढ़े, बालों में शाइन आए, स्कैल्प में ड्राइनेस ना हो, क्योंकि स्कैल्प अगर ड्राई आपका होगा ना, तो हेयर फॉल होगा ही, क्योंकि डैंड्रफ होगा, और जहां डैंड्रफ हुआ तो वो बालों जो भी स्कैल्प होता है उसको वीक कर देता है, जिससे बाल हमारे धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं। तो इसलिए अपने अपने जो स्कैल्प होता है उसको नरिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है विंटर में। तो अगर आप वीक में 2 टाइम लगा रहे हैं ना, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, अदरवाइज आप 1 टाइम ही लगा सकते हैं। मैं इस सीरम को वीक में 2 टाइम ही यूज करूंगी, फिर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से बना लूंगी, क्योंकि मेरा इस टाइम पे कोई भी ऐसे हेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्का सा स्कैल्प में ड्राइनेस हुई है, तो इस वजह से मैंने ये सीरम बनाया, और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मुझे मिले हैं। मेरा जितना भी स्कैल्प ड्राई था ना, वो अच्छे से नरिश हो चुका है। तो एक बार इस सीरम को आप बनाकर देखिएगा, ज्यादा कुछ झंझट भी नहीं है, ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है, बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, लगाना भी बहुत इजी है। सुबह उठ के आप तब तक घर का काम कर रहे हैं, तब तक हेयर ये जो भी सीरम है ना, आपके बालों पे अच्छे से वर्क कर देगा। उसके बाद आप नहाने चले जाइए, शैम्पू कंडीशनर अच्छे से बालों को वॉश कर लीजिए, आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर ही आपके बालों में शाइन आएगी, आपके स्कैल्प का जितनी भी ड्राइनेस उसको ये सीरम दूर कर देगा, बालों की ग्रोथ में भी बढ़ने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो एक बार इस सीरम को बनाकर आप ट्राई करके जरूर देखिएगा, थोड़ा सा ही बना के आप ट्राई करके 15-20 दिन देखिए, आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। और जो भी रिजल्ट मिले मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि किन किन लोगों ने इस रेमेडी को बनाया है और उनको क्या क्या फायदे मिले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बहुत ज्यादा मजे कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।